महाराज जी कहिंदे भाई ये वार श्लोकां दे नाल उचारण कीती है। श्लोक भी महले पहले के लिखे ते श्लोक भी जेड़े लिखे है महले पहले के लिखे। महले पहले भाव गुरु नानक साहब जी दे लिखे हुए श्लोक ने। सात संगत जी और पंज खंडिये जेड़े हुए है ना वो बाबू तेजा सिंह जिन्हें कहा सी कि राग माला बाणी नहीं उन्हां दियां ये साध संगत जी हरकतां सीगियां उन की कीता कि अखे महाराज नूं भुलेखा लग गया है विच तां महले महला दूजा भी आउंदा है। उन्हां ने अपने कोलों लिख दिता जिथे लिखिया ना श्लोक भी लिखे महले पहले के लिखे ते उथे नाल लिख दिता महले दूजे के लिखे भी नाल महले दूजे दे भी लिखे है अखे महाराज नूं भुलेखा पै गया। होर उन्हां हरकत की कीती इथों हजूर साहब की यात्रा तो जांदिया होया रस्ते विच को उन्हां नूं दरबारी दास की जिहड़ी सी ना कोई पोथी मिली उस दरबारी दास की पोथी विच साध संगत जी उन्होंने एक कोजा यतन किया कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ना जिमें दस पातशाहियां दा सरूप है तो फिर दसां सतगुरां की बाणी चाहिए एक छेवें पातशाह जी के नाम से महला लिख के वह मेहरबान की लिखी हुई कविता सी ते वह छेवें पातशाह के सरलेख थले शब्द लिख दिता। फिर साध संगत जी एक गुरु हर राय साहब जी के नाम थले कविता लिखी गुरु हर कृष्ण साहब जी के नाम थले एक कविता लिख दिती ते ओ कवितावां ओ दरबारी दास दियां बनाईयां होईयां जिहड़ियां गुरु साहब के नाम थले लिख दित्तियां। अखे कहिंदे जी फिर दस पातशाहियां दा सरूप ते ताईं है ना जे दसां गुरां दी बाणी होवे ते साध संगत जी जे पहले पातशाह दी बाणी है तो फिर वह दसां सतगुरां दी बाणी है। सिखां दी इह शरधा है कि गुरु नानक साहब जी ने ही दस जामे धारे है किसे होर नहीं धारे। इस करके ये सतगुरां दी बाणी दे उत्ते साध संगत जी उन्होंने लिख दित्ती सी लिखती रूप विच ये नहीं कि केवल कहा ही सीगा। ते ये एक लाल सिंह संगरूरी कोई होया ते ये हवाले साध संगत जी सचखंडवासी श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालिया महापुरखां ने अपनी कथा विच दित्ते है। ते ये आख्या है कि जिहड़े नामवर विद्वान अपने आप नूं अखवाउंदे है ते गुरु की बाणी विच इउं मिलावट कर रहे है सरकार तों पैसे लै करके अंग्रेज दा राज सी उदों अंग्रेज कोल सरकार कोलों पैसे लै के सिखी भेख विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे उपर जिहड़े छाण बीण करदे आ भई इन्हां नूं तां महाराज ही आप वेखणगे। सिखी भेख दे विच उन्हां ने कोजियां हरकतां कीतियां साध संगत जी इथे शंका पाया कि वेखो महले दूजे के जदों आउंदे नाल ते क्यों नहीं लिखिया इस करके अपने कोलों उन्हें लिख मारिया सी। पर साध संगत जी सतगुरां जी दे पहले सतगुरां दे महले ज्यादे है ते जिन्हां दा नगर होवे उन्हां दा ही वसदा ना उन्हां दे नाम ते ही वजदा ना। इस करके गुरु अर्जन साहब जी ने शब्द लिख दिते है कि भाई इहदे श्लोक भी लिखे महले पहले के शब्द द्वारा पढ़ो। श्लोक भी महले पहले के लिखे श्लोक भी दा भी भी लिखे हुए महले पहले भाव गुरु नानक साहब जी महाराज जी दे ते फिर साध संगत जी वेख लो सारी बाणी है गुरु अंगद साहब जी की उचारण की गुरु अमरदास साहब जी की उचारण की शब्द के अखीर विच सतगुरु जी की कह के भोग पाउंदे है नानक नाम कह के भोग पाउंदे। इस करके कदाचित सिख नूं कोई भिन्न भेद जां फर्क नहीं समझना चाहीदा गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज की पवित्र बाणी एक किसे होर नहीं है सारी मर्यादा बनी ये पंथ वाली गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने अपने हुंदियां आप प्रतख सतगुरां ने अपने श्री कंठ तो एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सतगुरां बाणी उचार करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र स्वरूप नूं बीड़ नूं बन्निया बाणी लिखवाई संपूर्णता की। फिर इसे अस्थान ते हजूर ने
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं गुरियाई साध संगत जी सौंपी है। इस करके सिख नूं कोई हक नहीं बनता कि गुरु साहिब दे कीते दे उत्ते कोई शान बीण ते किंतु करे। जैसा महाराज ने लिखिया, पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किछ ना है। सरकारां दे टेंटे चढ़ करके सिख कौम नूं जिहड़े खोखला करना चाहुंदे है, साध संगत जी सदी तों उत्ते हो चुका, बड़े जोर लगे अंग्रेज दे काल तों। हुण किहड़ा घट है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप जिहड़े है हथ लिखत, उहनां नूं खुरद बुरद करके कहिंदे अपनी मर्जी दे नाल जिहड़े सरूप वाए छपवाए जाण। बड़ियां कोजियां हरकतां जिहड़ियां सिख विरोधी ताकतां वल्लों हो रही हैं, कौम नूं सावधान होण दी लोड़ है।